नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल चंदू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारी इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का पांचवा क्लास है, जिसमें हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का तीसरे क्लास के ऊपर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के दूसरे क्लास में किस प्रकार के क्वेश्चन हैं। ठीक है फ्रेंड, तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। फ्रेंड आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है, छत व मेज के पंखे, इंडक्शन रेगुलेटर, आर्क वेल्डिंग कंट्रोल आदि में कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है। ये पूछ रहा है छत और मेज के जो पंखे होते हैं, इंडक्शन रेगुलेटर जो होते हैं, आर्क वेल्डिंग कंट्रोलर में कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है। तो वहाँ पे हम ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे देख सकते हैं, स्थायी कैपेसिटर मोटर का प्रयोग करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, ऐसी कौन सी मोटर है जिसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में दो समांतर संयोजन कैपेसिटर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऐसी कौन सी मोटर है जिसके स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में दो समांतर संयोजन कैपेसिटर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, श्रेणी क्रम में जो दो समांतर संयोजन कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा मोटर है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे देख सकते हैं, कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर जो होता है उसके श्रेणी क्रम में दो समांतर करके कैपेसिटर को हम प्रयोग में लेते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में केवल स्टार्टिंग के समय कार्यरत कैपेसिटर का मान कितना होता है। ये पूछ रहा है कि कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन जो मोटर होता है, जिसमें स्टार्टिंग के लिए भी और रनिंग के लिए भी कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है, केवल स्टार्टिंग के समय कौन सा मतलब कितने माइक्रोफैरड का कैपेसिटर होता है जो कि कार्यरत होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पे देख सकते हैं, 10-20 माइक्रोफैरड का जो होता है वो स्टार्टिंग के टाइम कार्यरत होता है। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, 10-20 माइक्रोफैरड को स्टार्टिंग बाइंडिंग में कितनी घुड़वन गति प्राप्त करने पर अलग कर दिया जाता है। ठीक है, ये कह रहा है कि 10-20 माइक्रोफैरड के स्टार्टिंग बाइंडिंग में कितने घुड़वन गति प्राप्त करने पर अलग कर दिया जाता है। ये मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि मोटर से उसको अलग कर दिया जाता है, कितनी घुड़वन गति मतलब वो कितना अपने आप कितनी क्षमता से वो चलने लगता है, 20%, 40%, 60%, 80%। तो वो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे देख सकते हैं, 75%। ठीक है, 75% स्टार्टिंग में जब वो हो जाता है मोटर, तो उसको हम अपने उसके सर्किट से पृथक कर देते हैं। तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, स्टार्टिंग बाइंडिंग के श्रेणी क्रम में संयोजित कैपेसिटर का मान कितना होता है जो रनिंग अवस्था में भी कार्य करता है। ठीक है, तो उसका मान पूछ रहा है कि वो कैपेसिटर का मान कितना होता है, तो 2 से लेकर 2.5 माइक्रोफैरड तक होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में उच्च प्रारंभिक टार्क से उच्च पावर फैक्टर क्यों प्राप्त होता है। ये कह रहा है कि कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन में उच्च प्रारंभिक टार्क से उच्च पावर फैक्टर क्यों प्राप्त होता है। ये यहाँ पे बोल रहा है, दो कैपेसिटर जुड़े होने के कारण, तीन कैपेसिटर जुड़े होने के कारण, चार कैपेसिटर जुड़े होने के कारण, पांच कैपेसिटर जुड़े होने के, तो ये बोल रहा है कैपेसिटर स्टार्टिंग और कैपेसिटर रनिंग मतलब दो ही कैपेसिटर जुड़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पे देख सकते हैं, दो कैपेसिटर जुड़े होने के कारण उसका जो होता है उच्च प्रारंभिक टार्क जो होता है बहुत अच्छा हो जाता है और पावर फैक्टर मेंटेन हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का प्रारंभिक टार्क रनिंग टार्क के कितना गुना होता है। ये कह रहा है कि कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन जो मोटर होता है उसका प्रारंभिक टार्क रनिंग टार्क से कितना गुना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे देख सकते हैं, 3 गुना होता है। ठीक है फ्रेंड, हम अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, ऐसी कौन सी मोटर है जो 25% अधिक लोड पर भी पूर्ण दक्षता के साथ कार्य करती है। ये कह रहा है ऐसी कौन सी मोटर आ गई दुनिया में जो कि 25% लोड होने के बावजूद अपनी पूरी दक्षता के साथ काम करता है, पूरी क्षमता के साथ काम करता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पे देख सकते हैं, कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर जो होता है वो 25% उस पर लोड होता है तब पर भी वो अपने पूरी दक्षता पूरी पावर के साथ काम करता है। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, रेफ्रिजरेटर एसी कंप्रेसर में कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर डी यहां पे देखिए, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, रनिंग व स्टार्टिंग बाइंडिंग के संयोजन की दिशा परिवर्तित करके किस मोटर की घुड़वन दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है। ये कह रहा है कि वो कौन सा मोटर है जिसकी स्टार्टिंग और रनिंग बाइंडिंग की दिशा में परिवर्तित करके उसके मतलब उसके टर्मिनल पॉइंट को बदल करके उसके घुड़वन दिशा उसके घूमने की दिशा को परिवर्तित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे देख सकते हैं, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर भी होता है, सिंक्रोनस मोटर भी होता है और स्थायी कैपेसिटर मोटर भी होता है जिसकी हम दिशा को परिवर्तित कर सकते हैं उसके टर्मिनल पॉइंट के उसके संयोग उसके मतलब स्टार्टिंग और रनिंग के जो बाइंडिंग के कॉयल है उसके टर्मिनल पॉइंट को बदल करके।
अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, किस मोटर में स्क्वायरल केज प्रकार का रोटर प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे क्या ऑप्शन दिया है कि शेडेड पोल मोटर, कैपेसिटर मोटर, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। ठीक, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि किस मोटर में स्क्वायरल केज प्रकार का रोटर प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे देखिए, सभी मोटर हैं, यहाँ जितने भी मोटर दिए गए हैं, जितने भी मोटर के नाम दिए गए हैं, सभी मोटर में हम स्क्वायरल केज रोटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, शेडेड पोल, ठीक है, शेडेड पोल में शेडेड पोल का बाइंडिंग किसकी होती है? ठीक है, ये पूछ रहा है शेडेड पोल मोटर में शेडेड पोल का बाइंडिंग किसका होता है, तो ये पूछ रहा है पोलो उसके मतलब पोल का बाइंडिंग किसका होता है, तो उसका तांबे का होता है। ठीक है, ज्यादातर हम तांबे का प्रयोग करते हैं तो तांबे का ही बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, एलियट पोल, ठीक है, एलियट पोल मतलब बड़े पोल, शेडेड पोल मतलब छोटे पोल, किस मोटर में प्रयोग किए जाते हैं? आप देख लीजिए, एलियट पोल मतलब बड़े पोल, शेडेड पोल मतलब छोटे पोल, किस मोटर में प्रयोग किए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे देखिए, शेडेड पोल मोटर में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, सेलियड पोल में उत्पन्न विद्युत वाहक बल प्रेरण के कारण किसमें आता है? ये पूछ रहा है कि कौन सा मोटर है जिसमें कि सेलियड पोल में उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल प्रेरण के कारण आता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शेडेड पोल मोटर में ऐसा। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, सेलियड पोल व शेडेड पोल की चुंबकीय फ्लक्सेज की प्रक्रिया के फलस्वरूप चुंबकीय अक्ष किस ओर खिसक जाता है? ये पूछ रहा है चुंबकीय ओर किस ओर खिसक जाता है, ऐसा किस मोटर में होता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे देख सकते हैं, शेडेड पोल मोटर में ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, शेडेड पोल मोटर में रोटर का घुड़वन होता है, ये पूछ रहा है शेडेड पोल मोटर में रोटर का घुड़वन कैसा होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं, सेलियड पोल से शेडेड पोल की ओर होता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, शेडेड पोल मोटर्स कितनी क्षमता की बनाई जाती है? ये पूछ रहा है कि शेडेड पोल मोटर कितनी क्षमता की बनाई जाती है, तो शेडेड पोल मोटर हमेशा 3 से लेकर के 125 वाट तक की बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, शेडेड पोल मोटर का प्रारंभिक टार्क कितना होता है? शेडेड पोल मोटर जो होता है उसका प्रारंभिक टार्क कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत कम होता है, बहुत खराब होता है प्रारंभिक टार्क, एकदम धीरे धीरे घूमता है, मजा नहीं आता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, शेडेड पोल मोटर की दक्षता कितनी होती है, उसकी दक्षता ताकत कितनी होती है भाई उसकी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी देखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देखिए, 5 से 35%, बहुत बेकार दक्षता है, बहुत बेकार, बहुत बेकार। ठीक है, शेडेड पोल मोटर की दक्षता बहुत बेकार है, 5 से 35% होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, हेयर ड्रायर खिलौने विद्युत घड़ी में कौन से मोटर का प्रयोग किया जाता है? तो हेयर ड्रायर खिलौने विद्युत घड़ी में कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है? और यहाँ शेडेड पोल मोटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हमने पहले क्लास में देखा था कि शेडेड पोल मोटर का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख के पहचान सकते हैं कि शेडेड पोल मोटर का प्रयोग हम यहाँ पे करते हैं। तो फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्त लोग भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। और 2020 के एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है और मज़ा आएगा एग्जाम देने में, अगर आप लोग मेरा पूरा क्लास करते हैं और उसको ध्यान से पढ़ते हैं। तो ठीक है, धन्यवाद, बाय।